खरगोन से है, जहां सुबह करीब 7:30 बजे काकड़िया के समीप खरगोन मार्ग पर मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी खा गई है। हादसे में 24 से अधिक महिला, पुरुष व बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को भगवानपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां पर इनका उपचार किया जा रहा है। इनमें से 7 लोगों को खरगोन रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन मजदूरों से भर कर जा रहा था, जिसमें 60 से अधिक मजदूर भरे हुए थे, जो मजदूरी के लिए उमरखली भसनेर की ओर जा रहे थे। पुलिस ने मौके से पिकअप क्रमांक MP39G1992 को जब्त कर थाने ले आई है। हादसे में घायल सभी निवासी पिपल्या बावड़ी के, सभी का अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उपचार किया गया। वहीं गखरीबाई, बबलू, रालूबाई, रितु, सुनील, भूरी और पुनीबाई को हाथ, पैर, सीने व सिर में गंभीर चोट लगने से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की जानकारी लगते ही अस्पताल में परिजनों व ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है। विराट 24 के लिए खरगोन से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। सुबह 7:30 बजे मेरे पास कॉल आया था 108 से, उसमें बताया गया कि एक पिकअप पलटी खाई है। उसमें हमारे पास पेशेंट आए थे, टोटल 24 पेशेंट आए हुए हैं, उसमें से 7 गंभीर थे, बाकी नॉर्मल थे और 5 फ्रैक्चर आए हुए थे। तो उसमें हमने 7 को रेफर करा जिला अस्पताल खरगोन के लिए, बाकी को एडमिट करा। क्या गंभीर थे कोई? हाँ, उसमें से 5 को तो फ्रैक्चर था, बाकी 3-4 को सीने में चोट थी और हेडसेट पैरों में ऐसा ऐसा लगा। ये रेफर किए मरीजों में सबसे अधिक महिला थे कि पुरुष? इसमें 2 बच्चियाँ थी फ्रैक्चर वाली, जिनके हैंड फ्रैक्चर हुए थे, और 3 महिलाएं थी जिनको हाथ में फ्रैक्चर है, किसी को लेस्टेड बोल रहे हैं। जैसे बाकी तो नॉर्मली दिखते हैं, उनको हमने रख रखा है। क्या नाम लिखते हो सर? मैं डॉक्टर भूपेंद्र बोल रहा हूँ।